हेलो पोके फैंस यार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सबसे पहले सॉरी यार, मैं बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। बेसिकली हुआ क्या था यार, मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, मेरे वीडियोस कम आ रहे थे। अब से यार मैं क्या करूँगा यार, मैं आपसे डेली वीडियो चाहेंगे, यानी दो दिन में एक वीडियो तो आना ही है। प्लीज़ रेडी रहना, सब्सक्राइब करो यार चैनल को। तो आज का वीडियो का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि है टॉप 5 पोकेमोन जो ऐश लगभग ओन कर चुका था, यानी वो पोकेमोन्स जो ऐश पकड़ने वाला था या फिर पकड़ सकता था उनको। और ये लिस्ट बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। मैंने इन सबको एपिसोड्स को देख के ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाई है। तो प्लीज़ मुझे बताना कि कैसे लिस्ट हुई है। और एक बात, प्लीज़ वीडियो को जाकर जल्दी से लाइक करो। लाइक है, मैं 250 लाइक्स का छोटा है, बट तुम लोग कर दोगे मेरे को पता है। तो लेट्स बिगिन, कोई टाइम ना गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पोकेमोन नंबर 5 की पोजीशन पे आता है, जिसको ऐश मतलब लगभग पकड़ चुका था, तो वो पोकेमोन है पीजी। दोस्तों तब तुम सोच रहे हो कि ऐश ने पिजोटो पकड़ा था, तो यार मैं बताना चाहता हूँ यार कि ऐश ने पिजी को लगभग पकड़ लिया था, यानी एपिसोड 2 में पोकेमोन के कैंटो रीजन के एपिसोड 2 में जब ऐश को पिजी दिखाता यार, उसने उसके ऊपर पोकेबॉल फेंका था। तब उसे पता नहीं था यार कि पोकेमोन को वीक करना होता है फिर पोकेबॉल फेंक रहा था, बट उसने पोकेबॉल फेंक दिया था और वो उस पोकेबॉल के अंदर गया, बट उससे बाहर निकल गया और फिर वहाँ से गस्ट अटैक इस्तेमाल करके वो गायब हो गया, मतलब उड़ गया। इसी वजह से मतलब वो उसे पकड़ने से रहा, बट उसे उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसने आगे जाके यानी आगे के एपिसोड में जाके उसने पिजियोटो को पकड़ा, जो कि था सोने पे सुहागा, यानी सीधा सेकेंड स्टेज इवोल्यूशन पोकेमोन। तो इसी वजह से मैंने पिजी को नंबर 5 की पोजिशन दी है। जो पोकेमोन अभी हमारा नंबर 4 पे आता है, नंबर 4 के स्पॉट्स पे आता है, वो है, वो भी कैंटो रीजन से है पोकेमोन, वो है टोगेपी। दोस्तों टोगेपी को नंबर 4 पे इसलिए रखा क्योंकि यार तुम लोग ने वो वाला एपिसोड तो देखा ही होगा, और एंशियंट पोकेमोन वाला, जिसमें ऐश का चार्मेंडर भी चार रिजॉर्ट में विकसित हो जाता है एरेरेक्टल से बैटल करने के लिए। तो उस एपिसोड को मतलब उस एपिसोड में जब ख़त्म हो रहा था, तब ऐश को एक अंडा मिलता है, तो वो अंडा टोगेपी का अंडा रहता है, तो वो अंडा बाद में जाके हैच हो जाता है। जब हैच होता है यार, तो टोगेपी का फंडा क्या है कि जब वो हैच होती है और सबसे पहले जिसको देखती है वो उसे अपनी माँ या फिर अपना ट्रेनर समझती है। मतलब जब वो अंडा हैच हो रहा था तो मिस्टी उसके सामने थी, तो उसने मिस्टी को मतलब चुना, मतलब उसने मिस्टी को देखा तो वो उसकी माँ या फिर उसकी उसे उसका ट्रेनर समझ गई बेटी। मतलब पहले ऐश नहीं लिया था, बट मिस्टी ऐश को ढकेल के उसको अपने हाथों में लेती है, तब उसके बाद वो उसकी हो जाती है। मतलब उसे पोकेबॉल में तो नहीं पकड़ती यार कभी, बट ये ऐश मतलब अगर उसके पास होती तो मतलब अगर शिनोरिजन तक समझो, अगर वो टोगेकिस तक विकसित हो जाती तो अच्छी खासी ताकतवर पोकेमोन बन जाती यार। तो इसीलिए मैंने टोगेपी को नंबर 4 की स्पॉट पे रखा है। दोस्तों जो पोकेमोन अभी हमारे लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन पे, 3 का स्पॉट मतलब डिजर्व करता है, वो है घोस्ट टाइप पोकेमोन। और घोस्ट टाइप से मेरे को तो भाई ऐश का एक ही फेवरेट घोस्ट टाइप को याद आता है, जो कि है हॉन्टर। दोस्तों तो हॉन्टर मतलब ऐश उसे लेने गया था सबरीना को हराने के लिए, जो कि साइकिक टाइप जिम लीडर है, तो उसे हराने के लिए हॉन्टर को, हॉन्टर नहीं बल्कि एक घोस्ट टाइप को पकड़ने गया था। बट इसलिए उसने हॉन्टर से पूछा, तो हॉन्टर उसके साथ चलने के लिए रेडी हो गया। बट यार क्या हुआ कि उसने लास्ट में मतलब उसने एक्चुअली में हॉन्टर को पकड़ा नहीं था, उसने बस उसके साथ लेके गया था। और इससे क्या होता है, वो उससे पकड़ने में नहीं होता, और बाद में क्या होता है, वो हॉन्टर वो उस सबरीना को दे देता है बाद में, पता नहीं क्यों दे देता है। बट अगर उसके पास वो हॉन्टर रहता ना यार, कसम से बोलूँ वो गेंगार में विकसित होके मतलब बहुत कुछ हो जाता, मतलब बहुत सारे एकदम मस्त वाला ताकतवर पोकेमोन मिल जाता घोस्ट टाइप में। तो यार इसी वजह से मैंने, और इसी वजह से यार ऐश उसको पकड़ते पकड़ते रहेगा, तो इसी वजह से मैंने भी हॉन्टर को नंबर 3 की स्पॉट, 3 का स्पॉट दिया है। दोस्तों बारी आती है नंबर 2 के स्पॉट की। दोस्तों नंबर 2 पे वो पोकेमोन है जो यार मेरे को बहुत सारा पसंद आता है, मतलब बहुत पसंद आता है गेम्स में, मतलब तबाहीदार पोकेमोन है यार, और वो है लार्विटर यानी ट्रैनेडर।
तो दोस्तों लार्विटा तो तुम लोगों को पता होगा यार, ऐश को एक अंडा मिला था। अंडा मिला था मतलब एक मतलब कुछ एक्सीडेंट में ऐश के पास वो अंडा आ गया था। उसके मतलब टिरानीटार जो उसकी माँ रहती है लार्विटर की, वो उससे वो बिछड़ के अंडा आ गया था उसके पास, तो उसे मिल गया था। तो उसने बाद में जाके उसे हैच कर लिया, उसमें से जो लार्विटार निकला यार, उसे उसने बहुत ही अच्छे से पाला पोसा जोटू लीग जर्न में, तो उसकी जर्नी में। सो मतलब वो बस ऐश की बात सुनता था, बाकी किसी की बात नहीं सुनता था। तो मतलब ऐसा उसे बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग मूव्स तो नहीं सिखाया यार, बट उसे बहुत सारा प्यार दिया ऐश ने। और लास्ट में अंत में क्या होता है, ऐश उसे उसकी माँ को वापस दे देता है। तो तुम्हें तो ऐश का बिहेवियर पता है यार कैसा है। तो मतलब वो उसे वापस दे देता है उसकी माँ को, तो लार्विटर भी खुश हो जाता है, टिरानीटार भी खुश हो जाता है, बट सारे फैंस दुखी हो जाते हैं। क्योंकि यार अगर वो लार्विटर क्यूपिटर और टिरानीटार में विकसित हो जाता है तो ऐश को एक तगड़ा सा पोकेमॉन मिल जाता है यार आगे बैटल्स करने में, और वो उसको वो जूतो रीजन में भी मदद कर पाता, या फिर होएन में, या फिर किसी भी रीजन में। तो इसी वजह को ध्यान में रखते हुए मैंने लार्विटार को नंबर सेकंड की स्पॉट दिया हुआ है। सो दोस्तों अब बारी आती है नंबर वन के स्पॉट की। दोस्तों नंबर वन के स्पॉट पे वो पोकेमॉन आता है जिससे ऐश ने अपने स्टार्टिंग के जर्नी में ही मतलब उससे झगड़ा मोल लिया था। सो अगर तुम लोगों को नहीं पता होगा तो यार बता दूँ, वो है स्पियरो, वरना कह सकते हो फियरो, तो मैं फियरो को काउंट करूँगा तो बिकॉज वो लास्ट में बताता हूँ, रुको। तो स्पियरो की स्टोरी बताता हूँ दोस्तों। तो ऐश ने शुरू की थी मतलब जर्नी, तो पहले पिज्जी को उसने लॉस किया, तो उसके पास स्पियरो था, तो उसको पता था कि मतलब अगर पहले वीक करे और पकड़े तो मतलब पोकेमॉन पकड़ में आ जाता है। बट क्या हुआ, उसने उसके ऊपर पत्थर मारने की कोशिश की, क्योंकि पिकाचू तो भाई घंटा उसकी बात सुनता था। तो और वो बॉल फेंकने ही वाला था तब तक स्पियरो उड़ चला गया, और बाद में उसने पूरी फौज मंगाई, फिर मतलब जो हुआ वो तुम लोगों को पता है। अब उसके बाद की बात बताता हूँ दोस्तों। तो बाद में जब ऐश वापस आ रहा था कैंटो रीजन से, हाँ, तब वो स्पियरो जिसको मारा था वो फियरो में विकसित हो चुका था, और उन सारे स्पियरोस का लीडर था, गैंग लीडर। तो इसका और फिर ऐश का पिजियोटो भी इवॉल्व हो चुका था, यानी वो लोग उन छोटे पिजी और पिजियोटो को तंग कर रहे थे। तो ऐश का पिजियोटो इवॉल्व हो गया पिजियोट में, तो उसके बाद उनमें बैटल हुए। तो बाद में ऐश लास्ट में उसके ऊपर फिर से पोकेबॉल फेंकता है फियरो के ऊपर, बट फियरो उस पोकेबॉल को डॉज कर लेता है और उधर से भाग जाता है। सो मैं कहूँगा मैंने इस पोकेमॉन को स्फियर को इसलिए रखा क्योंकि यार ये उसका फर्स्ट एनकाउंटर तो नहीं कह सकते, फर्स्ट एनकाउंटर तो नहीं बल्कि पहली दुश्मनी थी। तो इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फियर को नंबर वन की पोजीशन दी है इस पूरे लिस्ट में। तो गाइस अगर तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबाना, ताकि मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स तुम लोग को पता चले। और दोस्तों यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, क्योंकि उससे मेरा मन बहुत भरता है यार, और सब्सक्राइब करोगे तो यार मैं और खुश हो जाऊँगा। सो जैसे मैंने कहा था यार, मैं अभी डेली वीडियोस अपलोड करूँगा, सो मतलब दो दिन में एक वीडियो तो आना है चैनल पर। सो आज से डेली वीडियोस वापस आऊँगा, क्योंकि अब मैं ठीक हो चुका हूँ। सो लेट्स गो यार बॉयज, वीडियोस तुम लोग के लिए तो बनाना पड़ता ही है। सो मतलब अगर तुम लोग को ये लिस्ट पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर तुम्हें इस लिस्ट को करेक्टली पढ़ना है, यानी तुम लोग को तुम्हारी कोई लिस्ट बतानी है मेरे को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और ये भी बताना कि यार वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो दैट्स ऑल फॉर गाइस, मिलता है तुम लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए।